कि श्री राम जी ने माता सीता के सनैन आया रावण से जंग कर। भगत कबीर साहब लिखन दा लंका सा कोट समुंदर सिखाई। लंका एक बड़ो कोट हो किलो हो अग्या समुंड जड़ी गहरी खाई हो पानी अने किए पार थे बिना बेड़ी। तो श्री राम भगवान हुकुम कियो भाई पत्थरन जी पुल बधो। नल और नील वानर बसैनिक जिन बेनती की भगवान जी पैरों पत्थर तां उछलियो। पैरों पत्थर भगवान उछलियो पत्थर बुड़ी हाथ जोड़े चयूं हे भगवान तुझो हथ जो पत्थर बुढ़ो असा और खाक तरद पुल की बदबे। श्री राम जी चवन लगा ता सिर्फ शरीर के सब कुछ समझो था पर ता इन पत्थरन ते राम नाम लिखदा वजो बाकी कम राम जो। सागी पत्थरन ते राम नाम लिखदा व्या रखदा व्या साग्या ही पत्थर राम नाम जे सदके तरदा व्या पुल बदबी। या खबर जड़े रावण जे सेना के पई परेशान थी है और रावण के जी चेहो लंकेश्वर जेको राजा तां सा जंग करना वा श्री राम वडो कलावान है। एडो कलावान के उन्हें नाम जा पत्थर भी पानी में तरन पिया। रावण सियाणो हो रावण डिठो मुझे इस प्रजा में बगावत पई थे मायूसी पई छाए जे अने की उन्हें के मुतहद किया यूनिट किया की उन्हें के मायूसी में बाहर कढ़ा। रावण हाम हणी छड़ी हाम हरू भरू चईया केड़ी वड़ी गाल पत्थर मुझे नाले जा भी तरी सकन या कला मुंह में भी है। तो कुछ मानन च लंकेश्वर को देखा वैसी भी हौसलो तो कयो पेंजे परजा के सेना के मायूसी मां कढ़ण जे लाए यूनिट रखण जे लाए यूनिटी पैदा करण जे लाए। रावण सियाणो न कुछ पत्थरन ते रावण नाम लिखी करे मंत्र पढ़ी करे पानी में उछलदो वियो। भगवान जी कृपा में पत्थर तरी पई जय जयकार थी वई कि अगर श्री राम जे नाम जा पत्थर तरी सकन था रावण में भी कला है वो भी राजा है वडो उदे नाम जा पत्थर भी तरन था। पर इयो रावण जी घरवारी दिसी करे कला यकीन ना हो। तेरे रावण घर आयो मंदोत्री पुछन लगी लंकेश्वर इकड़ी गाल चवां तुम्हें जेतरी रिद्धियूं सिद्धियूं पेंजी जाए थे पर तुम्हें इया शक्ति ना है कि तुझे नाम जा पत्थर पानी में तरन। मुझे समझा तो सही ये पत्थर पानी में तो किए तारे खिली चवन लगे मुझी प्रजा में सेना में बगावत पई पे उन्होंने के मुतहद रखण दे करे मां या कला वरताई या तू सही थी चे मुँह में इतनी शक्ति ना है कि मुझे नाम जा पत्थर पानी में तरन। पर जने रावण नाम लिखी करे मां पत्थर पानी में छड़या छड़न को पैरों मंत्र पढ़ियम ताँ के श्री राम जी कसम मां बुढ़ जो करे हैं ना पानी में पत्थरन के कसम जी ताँ के कसम श्री राम जी बुढ़ जो ना
श्री राम उनी पत रखी। खबर हो श्री राम कड़ी हस्ती है, लेकिन हठ वधी गस। हठ बंदे में जरे पेजी हिंदो वो इंसान भगवान सा बिड़ी पे होगा। और एडा मूर्ख दुनिया में कितरा है बताए, फकीर जे जीवन में लिखे रहो बिठो बतायो बाजार में परे को अचे पे मानू अहंकारी हाथ में डंडो बैठे कुत्ते के ठका कड़े कुत्ते जे रड़ कई वो तो खिले पे पर फकीर जी दिल दुखी हुई आवाज रे अड़े मूर्ख इन कुत्ते तुझो छा बिगाड़ो जो इन बैठे के तू डंडो है। अहंकार बेचो न को फकीर साई अल्लाह के भी खबर पे ना हेठ डाढ़ा मुड़ से बैठा है ना। अल्लाह के भी तो खबर पे ना हेठ डाढ़ा मुड़ से रंध अहंकार जी निशानी पैदाइशी रोग आ बंदे। लेकिन जिन वट नाम जी बरकत आ ना केवल नाम जी केवल नाम हृदय में दीजे सतगुरु जी करे मंग करन था नाम वो बरकत है जिका आदमी जे अंतरो अहंकार खत्म कर दिया। साहब लिखन दा कि वाहेगुरु गुरु मंत्र है जप हों में खोई। वाहेगुरु एड़ो गुरु जो मंत्र आ जें जे जपण सा अहंकार मिट जी वेंदो नष्ट थी वेंदो। जब हम होते तब तू नहीं अब तू ही मैं नहीं। संगत जो वो फल लाडी भाई साहब की मिसाल नहीं उन्हीं कमाल बकरी दिसदा मैं कर दिया जेड़ी मार भी बकरी आवाज निकल दो जेरे मैं कर दिया ना। सागी बकरी जी खल तबले में लगे थी तबले में बकरी जी खल जरे हिते लगे थी तो हिते उन जो आवाज निकल दो तू तबले जो आवाज निकल दो तू पर तू तरे थी जरे मरी करे जेरे दो मैं कदी रही जरे मुई कट जी वही सागी खल हिते जी लगी करे तू तू पही करे ये इंसान जी मैं तरे मिट दिया जरे अंदरों मारे पाने मारे गुरु सतगुरु बाणी में मिसाल ना मन मरे धात मर जाए बिन हर बिन मन मारे कैसे हर पाए। बिना मन मोए किए मिलदो भगवान। इन सतगुरु जी बाणी नाम जी मंग करे पे इस समय आ जीवन में अगर दासवरी बेनती करे 10 मिनट जी रोटी खातल 24 कलाक एनर्जी दई वने दी मानू के 10 मिनट जो सिमरन सेवा नितनेम गुरु जी श्रद्धा सा आदमी जी पूरी जिंदगी के एनर्जी दई वंदी गुरबाणी जी दी बड़ी बरकत पर कोई कमाए